नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं नोकिया के 105 मोबाइल फ़ोन की। तो ये देख सकते हैं, इसका आउटर बॉक्स है और इस पे साइड में भी मॉडल नेम दिया गया है और ये ब्लू कलर में हमने फ़ोन परचेज़ किया है। बैक साइड आप देख सकते हैं, ये फ़ोन अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो भी देख लेते हैं। ये बता रहा है कि 14.4 आवर्स की इसकी बैकअप है। इसके अलावा LED टॉर्च लाइट है और 4.50 CM स्क्रीन है। स्टोरेज है इसका 2000 कॉन्टैक्ट्स का और माइक्रो USB कनेक्टर है। FM रेडियो भी इसमें दिया है, कुछ गेम्स भी आप खेल सकते हैं, लेकिन FM रेडियो के लिए आपको अलग से ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए ओपन करके देख लेते हैं। हमने पहले से ही इसमें बैटरी लगा रखा है, इसको ऑन कर लेते हैं। आप देख लें, ये चार्जर, इसमें चार्जर दिया है जो कि USB कनेक्टर के साथ आता है। और ये रहा मोबाइल फ़ोन, सिंपल इंटरफेस है जैसा कि होता है। मेन्यू में जाके आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अलग अलग, और रिंगटोन भी चेंज कर सकते हैं। आप देख लें, ये सारे ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से GoTo के माध्यम से आप जो भी सेटिंग ओपन करना चाहें, अलार्म लगाना है तो अलार्म लगा सकते हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं, और भी सेटिंग्स हैं, कैलकुलेटर हैं, गेम है, देखें आप, गेम भी इसमें दिया गया है। तो सिंपल इंटरफेस है दोस्तों, जैसा कि नॉर्मल हर फीचर फ़ोन में होता है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल जो प्राइस है इसका ऑनलाइन मार्केट में वो 1150 से 1200 है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट से, यानी कि अगर किसी रिटेलर के यहाँ से दुकान पर जाके आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये आपको 1400 से 1500 या मैक्सिमम कम से कम में आपको कम से कम 1350 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे इसमें। तो ऑनलाइन मार्केट में थोड़ा सस्ता है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये 200 से 300 महंगा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो नोकिया 105 फीचर फ़ोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।